हाय हेलो मनस्वी। ओ मनस्वी, कल तुमने ही कॉल किया था ना अपॉइंटमेंट के लिए। या यू आर राइट। ओके, ही इज वेटिंग फॉर यू अपस्टेयर्स। ओके या जस्ट हैव दिस एंड या जस्ट गो स्ट्रेट, टेक अ स्टेयर्स देन राइट, ऊपर कोई आपको गाइड कर देगा। या ओके ओके, आई विल हेल्प माय सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Excuse me? Yeah. Max? Max, udhar hai. Oh, thanks. I can't, Max. Come on, Priya, just 10 more to go. I can't do it. Please, Max. Final one, come on. Yes. Awesome. Oh, see, you did it. Max, you are such a lovable person, I know. You will love me for this. I hate you, Max. Come on, get up. If it takes 30 seconds of rest, I'll be back. Hi, I'm Mahesh Krishnan. But everybody calls me Max. Gym owner ki position ki wajah se Max thoda zyada suit karta hai. But tell me, how can I help you? I'm Manasvi. Oh, right. We'd spoken on the phone yesterday. I'll show you the gym around. Priya, don't take too much rest. Chalo, complete karo apna set. Come, I'll show you around. So, there we have a chest press machine. Wow, quite a big gym. Why do you want to join the gym? Well... See, as your instructor, I need to know ki tumhe is gym se kya chahiye, what's your goal, taki main tumhara program design kar sakun. Sach kahun, kya jhoot? Honestly, झूठ लोग दूसरों से कहते हैं, खुद से नहीं। इसलिए तुम्हारा मुझसे ज्यादा जानना जरूरी है कि तुम्हें जिम क्यों ज्वाइन करना है, तुम्हारा गोल क्या है। बट इफ यू डोंट हैव अ रीजन देन डोंट ज्वाइन, अदरवाइज इट्स गोना बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। सुपर्ब, एक्चुअली आई रियली लाइक योर ऑनेस्टी यार। थैंक यू। बट इफ एट ऑल यू आर विलिंग टू ज्वाइन, तो मीट बिंदिया। बिंदिया तुम्हें सारी फॉर्मेलिटीज के बारे में बता देगी। बाय मनस्वी। अब मैट या By the way, everybody calls me Manu, huh? But तुम जैसी pretty लड़की के लिए मनस्वी ज़्यादा suit करता है, so I like मनस्वी। हर वक्त तुम लोग फिजूल खर्ची में लगे रहती हो, मैं कर रही हूँ। अब क्या हुआ माँ? क्या हुआ? मनु के सर पे एक नया भूत सवार, जिम ज्वाइन करने का। पहले इसके सर पे मॉडलिंग का भूत सवार हुआ था, अब उसके सर से उतर के इसके सर पे आ गया। नहीं मॉम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है। तो फिर ये सब क्या है, ये फिजूल खर्चे क्यों? क्या तुम लोगों को अपने घर के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता? या पिछले साल जो कुछ भी हुआ, क्या वो सब तुम लोगों से छुपा हुआ है? माँ, जो कुछ भी हुआ है ना, उसका सबसे ज्यादा असर मुझ पर पड़ा। मेरे ड्रीम्स, मेरे एम्बिशंस, मेरे करियर पर फुल स्टॉप लग गया। कभी तो कोई मौका छोड़ दिया करो मुझे और बुरा फील कराने का। कैसे छोड़ दूं? तुम्हारी एक गलती की वजह से आज हम सबको किराए के घर में रहना पड़ा। तूने उस लड़के पे भरोसा किया और उसने क्या किया? 15 लाख रुपए का फ्रॉड, जिंदगी बर्बाद कर दी उसने हमारी। और तुम कहती है छोड़ दूं? हर एक क्लर्क की नौकरी में 15 लाख रुपया कैसे जमा होता है ये तुम क्या जानते? दी मॉम, आप भी ना जब देखो दी को सुनाती रहती हो कि उन्होंने उसकी गलती नहीं है। Please, mom, just forget it. जो हो गया सो हो गया। हाँ हाँ, सारी गलती हमारी है। दी, अब चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। प्लीज मॉम की बात का बुरा मत मानो, इट्स ओके। मुझे पता है मेरी वजह से घर की ये हालत है और हमारे पास पैसे नहीं है, बट आई एम ट्राइंग यार। मैं तुम्हारी तरह ये छोटी मोटी क्लरिकल जॉब नहीं कर सकती, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। Why doesn't she get it? I know दी, I know that. पर जहाँ तक मॉम का सवाल है, वो जो कुछ भी बोलती है वो हमारे टेंशन में है। You know ना दी, anyway, मैंने मॉम को कन्विंस कर लिया है। जिम के पैसे मैं खुद अपने पार्ट टाइम जॉब के सैलरी से दे दूंगी, and she is okay with it. चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। पर तुम पार्ट टाइम सैलरी तो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में भरती हो, फिर वो कैसे करोगे?
मैं ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम करूंगी और ऑलरेडी मैंने वहाँ बात कर ली है। सो अब चलो, तुम लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करोगी क्या? चलो। ओह गॉड, एक्स्ट्रा आवर्स एंड ऑल, प्लीज मम्मी को मत बताना, अदरवाइज वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मनु, उसको देखा है घर में कितना काम करती है, एंड यू ब्ला ब्ला ब्ला। मॉम का भी तो सोचो, जस्ट इमेजिन मॉम पर क्या बीती होगी। वो हम दोनों के लिए अपना घर खरीदना चाहती थी ताकि ताकि हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। थैंक यू मुझे ये याद दिलाने के लिए कि सबकी वजह सिर्फ मैं ही हूँ। नो दी, यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, मेरा इंटेंशन ये नहीं था। आई एम रियली सॉरी दी। मुझे नहीं लगता आई कैन एवर बी हैप्पी अगेन। एनीवे, मुझे कहीं जाना है। ट्रस्ट मी दी, मैं हम सब की खुशियां दोबारा लेकर आऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतनी बड़ी स्माइल, व्हाट्स द रीजन? गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट बी बैक। ओके ओके। Hey. Hi. Hi. So good to see you. लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? Well, तुम्हारा पीछा करते करते। I'm sure, huh? Of course not. It's my friend's birthday. Really? Whose birthday is it? Sneha. Sneha, he's Max. मैंने तुम्हें बताया था, I'm going to join new gym. Yes. उसी का owner. Oh. And Max, he's Sneha, the birthday girl. Oh, hi. Happy birthday, Thank Sneha. Thank you. You know, your birthday calls for a celebration. Let's play you a special song. Okay. Come on, Joe. Let's play that special song, buddy. Absolutely okay. Wow, तुम तो सब कुछ जानते हो। लगता है जिम के बाद स्ट्रेट यहीं पे आते हो रोज। No, just on a weekend. Enjoy your birthday. I don't know. You don't like dancing, do you? सच कहूँ? या झूठ? तुम कुछ भी मत कहो। I have an idea. Hold on. Joe, play the special song. Yeah. Okay, man. तुम मेरी आँखों में देखो और मेरे steps को follow करो। महेश कृष्णन, तुम जैसी प्रिटी लड़की के लिए मनस्वी ज्यादा सूट करता है। सो आई लाइक मनस्वी। अगर तुम इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो तो डोंट वेयर देम। मैं चाहता हूं कि तुम एक्सरसाइज पे फोकस करो, कपड़ों पे नहीं।
हेलो हे हे मनस्वी हाय मैक एक्चुअली आई हैड फॉरगॉटन माय सेल इन द जिम हां तुम अपना फोन यहीं छोड़ गई हो मेरे पास ही पड़ा ओके एक्चुअली मैं अभी बिजी हूँ मैं रात को आकर तुमसे कलेक्ट कर लूँ लेकिन रात को तो मैं घर पर ही होऊंगा तो तुम घर पे आके ले लो ओके फाइन मैं आ जाऊंगी थैंक यू सो मच बाय बाय Please come in. Have a seat. You'll have something? Oh, but tomorrow phone. Thank you so much. Well, Matt, you really have a nice house, huh? Thanks, but it's just basic. Basic? Come on, itne bade ghar ko tum basic keh rahe ho. Thanks, but ye ghar mera nahi. Mom, dad ka. Oh, nice. Mom, dad ka hai? Actually, they passed away. I lost them in an accident. Oh, I'm really sorry to hear that. But anyways, ghar dikhata hoon? No. Come. Wow, beautiful. Spectacular. Hey, look there, look there. Tumhe pata hai, main saaton ke saath count kar sakti hoon. Dikhao. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It's so amazing, na? पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला हूँ जिसे नाइट क्लब जाने से ज्यादा खुशी रात में खुले आसमान में सितारे देखने से मिलती है। Oh, no, 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 no. It's not that. Actually, it's been so long कि मैंने ये क्लियर स्काई देखा है. It's just that. You know what? तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम कुछ ना भी बोलो ना तो भी बहुत है मेरे लिए एक बात कहूँ तुम्हारे अंदर ये जो इनोसेंसी सीधी सादी सी लड़की है ना जिसे तुम छुपाने की कोशिश करती हो मुझे बहुत अच्छी लगती है तो चलो सितारे दिखाओ बार कभी जाने जा आ ख्वाबों में तू जरा एक बार कभी जाने जा मैक व्हाट्स दैट मेमोरीज ऑफ लाइफ कैन आई सी Yeah. Thank you. Wow. Mac, you're really looking good, huh? Thanks. But Mac, यहाँ पे ये स्पेस क्यों खाली है? यहाँ किसके पिक्चर्स थी? सच कहूं या फिर झूठ वेल झूठ तो हम दूसरों से कह सकते हैं अपने आप से नहीं खुद से क्या कहोगे सच कहूं तो ये मेरे जिंदगी के कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें मैं भुला चुका हूं मनस्वी हमारी जिंदगी में ना डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं कुछ हैप्पी और इंटरेस्टिंग होते हैं कुछ सैड और डिफिकल्ट होते हैं
तो मैं अपनी लाइफ के सैड चैप्टर्स को हैप्पी चैप्टर से रिप्लेस कर देता हूँ और दैट्स हाउ आई मूव ऑन। सिंपल। ग्रेट। हाँ मुझे तुम्हारा कार्डियो रूम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैक। शी इज योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट प्रियंका। हाय प्रियंका। सो मैक आई वांट टू जॉइन योर जिम। कब से शुरू करना चाहती हैं आप? अभी से। अच्छा बिफोर वी स्टार्ट अ वर्कआउट हमें थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, पहले वो कर लेते हैं फिर वर्कआउट शुरू करते हैं। सर आज फिर अच्छा आई एम वेरी बिजी, आई सी सम अदर टाइम, आई कॉल यू। बिंदिया। मनु। हाय बिंदिया। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं, बट या मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज जरूर है उनकी तरफ से। मैसेज? या बताओ ना। सूरज जब डूबने लगता है तो वो सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मनस्वी तुम्हें मालूम है मैं कहाँ हूँ। I'm sorry, नीतू मुझे लगा होली है तो। मैक, होली तो कल है ना? हाँ लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में एक बार फिर से रंग भर दिए, तो मैंने सोचा थोड़े रंग में तुम्हें भी दे दूँ। और कल तक मैं इंतजार नहीं कर सकता। जितना थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उस थोड़े बहुत से मुझे प्यार हो गया। पर मुझे तुमसे सिर्फ ये कहना था मनस्वी, I'm in love with you। But Mac, I need some time. कृष्णन, तुमने जो मेरी बहन के साथ खिलवाड़ किया है मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगी। Hey, use me, mom. सब ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी उसने मुझे फोर्स किया अपनी आप से पैसे चुराने के लिए। उसने मुझसे कहा कि शादी के बाद हम जिम खोलकर माम को पैसे लौटा दें। सालों की कमाई बहुत संभाल कर रखा था मैंने। माम माम हमें अभी का अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मनु पागल हो गई तू? मैक को पैसे देने का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी,
अपनी बहन का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम कितने बड़े चीटर हो। इतनी आसानी से तुम्हें ये लाइफ का चैप्टर कभी नहीं भूलने दूंगी। नेवर। और मैक को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मनस्वी कविता की छोटी बहन, और मनस्वी का एजेंडा बहुत ही क्लियर था कि वो सिर्फ और सिर्फ मैक को सबक सिखाना चाहती, और उसके पास एक और ऐसा प्लान था जो अगले दो दिन में एग्जीक्यूट करने वाली थी। थैंक यू सो मच प्रियंका, रियली थैंक यू। कम ऑन, फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। प्रपोजल मिला? यस यस। जितना थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, उस थोड़े बहुत से मुझे प्यार हो गया। I'm in love with you. It's romantic. Sweet. Yes, it is sweet. But you know what, Priyanka? There's something funny about it. मैंने मैक को इम्प्रेस करने के लिए जो कुछ भी किया, वो उसे पसंद नहीं आया। In fact, उसे वो पसंद आया जो मैं उससे छुपा रही थी। I mean, जो मैं खुद हूँ। और मैं नहीं चाहती थी कि वो ये सब कुछ देख पाए। So strange it is. Does that mean कि हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा? Oh, not at all, प्रियंका. We are going perfect. अच्छा, tell me, क्या तुमने मैक को कन्विंस कर लिया कि तुम एक अमीर बाप की इकलौती बेटी हो? Yes, और मैंने उसे आज रात को डिनर के लिए भी इनवाइट कर दिया। Superb idea. So tonight we are going to see the real Mac. And I'm sure, जिस तरह उसने कविता दी से पैसे मांगे थे, बिल्कुल उस तरह वो तुमसे भी पूरे के पूरे पैसे निकलवाएगा। Please be careful. And I want you to record each and everything. I just want to show the world कि ये लड़का पैसों के लिए कैसे लड़की फंसाता है, फिर उनके करीब जाता है और उनसे ही पैसे लेकर उन्हें धोखा देता है। अभी मुझे प्रपोज किया और देखना, आज शाम वो तुम्हें प्रपोज करेगा सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि मैं सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैक कितना बड़ा झूठा है। He's a fraud. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो आज के बाद किसी और लड़की के साथ दोबारा ऐसा करे जैसे उसने मेरी दी के साथ किया। ये हो गया एक और दूसरा मैंने वहां लगा दिया। दूसरा मुझे देखकर बता सकते हो कहाँ होगा? I don't know. It's here. इसमें इसकी सारी बातें अच्छी तरह रिकॉर्ड हो जाएंगी। Perfect. All set. उसके आने का टाइम भी हो गया। आ गया। It's a show time, okay? Good luck. Hi. Looks so beautiful. Thank you. Happy birthday. Thank you so much. I guess I'm much before time. कोई आया नहीं अभी तक? कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया। Really? क्यों? Come ना? Sure. Thank you. Cheers. You know, Mac, I'm fairly new in this city. और इतने बड़े शहर में यू द ओनली वन जिसके साथ मैं इतना कंफर्टेबल हूँ। और बर्थडे के दिन अकेले रहना मुझे थोड़ा सैड आइडिया लगा। यू नो इट्स अ बिट डिप्रेसिंग। सो आई कॉल्ड यू। कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? नो, नॉट एट ऑल। You know, Mac, इतने भीड़ भरे शहर में भी कितना अकेलापन है ना? I feel so lonely. So you should get into a relationship. मुझे कोई ऐसा चाहिए जो sensitive हो, caring हो, chivalrous हो. Maybe someone like you.
बर्थडे और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। I mean, I'm in love with someone else. And she's so beautiful. She's so wonderful. तो अपना लाइफ को कुछ अलग ही तरीके से देखती है। नाम भी बहुत खूबसूरत है, मनस्वी। पता है, after a long time, मुझे कोई ऐसा मिला जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो मेरी जिंदगी के हर शाम मैं उसके साथ अपनी छत पर बिताऊं, सितारों को देखते हुए, समुद्र को ताकते हुए। She's made me so romantic. Mac, Mac, I have a lot of money. You and I can be a great team. Just think about it. तुम अपने जिम को एडवांस कर सकते हो, फ्रेंचाइजी खोल सकते हो, न्यू ब्रांचेस खोल सकते हो। Just think about it practically, no? प्रियंका, यार प्रैक्टिकलिटी सोच के थोड़ा ना किया जाता है। आई कैलकुलेशंस के साथ। I mean, रिलेशनशिप है यार, कोई जिम की अकाउंट बुक थोड़ी ना है। और मेरे पास जो भी है मैं खुश हूँ उसके साथ। फ्रेंचाइज एंड ऑल दिस बिजनेस मॉडल ये मुझे समझ में नहीं आता। और आई वांट टू बी पर्सनली देयर फॉर माय क्लाइंट्स, हेल्प देम पर्सनली। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैक, दैट्स सो सैड। तुम जरा भी एंबिशियस नहीं हो। कुछ तो ड्रीम्स होंगे ना तुम्हारे। प्रियंका, किसी के एंबिशन की मैंने बहुत स्कैरी और डार्क साइड देखी है। एंड दैट्स व्हाई आई लव मनस्वी सो मच, बिकॉज़ वो बहुत सिंपल है। उसे छोटी छोटी बातों में खुशियां दिखाई देती हैं और मुझे उसकी हर बात में खुशी नजर आती है। शी इज सो लविंग एंड आई लव हर सो वेरी मच। दी जस्ट गेट अप। मनु, इतनी रात को तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आपके और मैक के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या था? तुझे मेरे पास्ट को क्यों वापस लाना होता है? तुझे पता है ना? It disturbs me. No, Dee, I really want to know कि तुम दोनों के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या था? उसने कभी मेरे इमोशंस की केयर नहीं की। उसे मुझ में नहीं, मेरे पैसों में इंटरेस्ट था। और जब तक मुझे ये पता चलता तब तक बहुत लेट हो चुका था। और मनु, आज के बाद हम वापस इस बारे में बात नहीं करेंगे। Your wish, Dee. बट वन लास्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जस्ट वॉच दिस। कविता ने मुझसे हेल्प मांगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने अपने डैड से हेल्प मांगी। एंड डैड वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू गिव मी द मनी। पर तब तक मुझे पता लगा कि वो मॉडल कोऑर्डिनेटर बैनर्जी बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सब क्या है? जस्ट वॉच इट, Dee. लेकिन उसने पता नहीं उसको कैसे कन्विंस कर लिया कि अगर वो उसके साथ कैंपेन में इन्वेस्ट करेगी तो वो उसे स्टार बना देगा। And you know how much he asked for? 15 lakhs. बैनर्जी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, तुम क्यों नहीं देख पा रही हो? वो तुम्हें कोई स्टार वार नहीं बनाने वाला। ये सिर्फ उसका तुमसे पैसे निकलवाने का तरीका है अपने फायदे के लिए। जस्ट अंडरस्टैंड दैट। फ्रॉड बैनर्जी नहीं, फ्रॉड तुम हो। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे पास 15 लाख है ही नहीं? एक्चुअली है, लेकिन तुम देना ही नहीं चाहते क्योंकि तुम जलते हो मुझसे that I will be more successful than you. और तुम ये देख नहीं सकते। मैक, इट्स ओवर। आज के बाद तुम और मैं कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज और यहीं पर खत्म होता है। क्या सोच रही हो? मुझे लगता था कविता मुझसे सचमुच प्यार करती है, लेकिन जो प्यार इतनी आसानी से टूट जाए वो प्यार तो नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर मनु मुझसे दूर गई ना तो मैं किसी भी तरह कुछ भी करके उसे वापस ले आऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम उसे मिल चुकी हो। हाँ दी, और वो मुझसे प्यार करता है। और तुम? मैं तो पूरे दुनिया के सामने उसे सबक सिखाना चाहती थी, पूरी दुनिया में उसका असली चेहरा दिखाना चाहती थी। He is a fraud. पर अब क्या?
तुमने इसके इस घटिया सी स्टोरी पर बिलीव कर दिया? नो दी, मैक को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। मन्नू! जी मॉम। ये सब क्या है? तुझे शर्म नहीं आई अपनी बड़ी बहन पर शक करते हुए? और तेरी हिम्मत कैसे उस लड़के से मिलने की? कि मॉम, मैक की कोई गलती ही नहीं। बस बहुत हो गया, पता नहीं कौन से जन्म का फोटो हमसे बदला ले रहा है। सर ये हो क्या रहा है सर? आप किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते सर। मिसेस कपूर ने आपके खिलाफ फ्रॉड का कंप्लेंट लिखवाया है। सर किसी ने झूठी कंप्लेंट लिखवाई है आपको? जो भी बोलना थाने में जाके बोलना। चल। अरे मेरी बात तो सुनो। चल जो भी बोलना थाने में जाके बोलना। चल। सर मैंने कभी सोचा नहीं था मैक इतना फ्रॉड हो सकता है। मुझे भी पता नहीं था मैक पैसे के लिए ऐसा कर सकता है। जरूर कोई मिसकंसेप्शन है। He is such a wonderful guy. वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है। पता है, जब मुझे कहीं जॉब नहीं मिला, तो उसने मुझे अपने यहाँ काम दिया। ये जानने के बाद भी that I'm visually impaired. उतना ही नहीं, उसने यहाँ के बेस्ट आई सर्जन से मेरी अपॉइंटमेंट्स भी फिक्स करवाई है कि मैं ये दुनिया फिर से देख पाऊँ। नहीं, वो कभी कुछ फ्रॉड नहीं कर सकता, कभी नहीं। पहली बार एक ऐसी लड़की से मिला हूँ जिसे नाइट क्लब जाने से ज्यादा खुशी रात में खुले आसमान में सितारे देखने से मिलती है। तुमने मेरी जिंदगी में एक बार फिर से रंग भर दिए, तो मैंने सोचा थोड़े रंग में तुम्हें भी दे दूं। हम एक दूसरे के बारे में बहुत थोड़ा ही जानते हैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, उस थोड़े बहुत से मुझे प्यार हो गया। I'm in love with you. तो लॉन्ग टाइम मुझे कोई ऐसा मिला जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहता ने मुझे उसकी तरफ खींच दिया। अगर तुमने मैक से सच्चा प्यार किया होता तो आज ये सब नहीं होता दी। अपने एम्बिशन के लिए, अपने सपनों के लिए तुमने मैक को अकेला छोड़ दिया। लेकिन आज वही मैक मेरा सपना है दी, मेरा सपना। इज एवरीथिंग टू मी दी, सब कुछ है मेरे लिए। ये तू क्या कह रही है मनु? कब से जिम चला रहा? 4 साल। आपको कोई ना कोई गलत सब। मनस्वी तुम सब प्लीज मैक को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन मानिए, प्लीज छोड़ दीजिए। आप कौन है? यहाँ कैसे आ गए? ए हवलदार, ले जाओ इन्हें। एक मिनट सर, मैं कविता कपूर की बहन हूँ, मनस्वी कपूर। मैं अपने मॉम की कंप्लेन वापस लेने आई हूँ, प्लीज मैक को छोड़ दीजिए। देखिए कोई मजाक चल रहा है, कंप्लेन लिखी जा चुकी है। जब तक मिसेस कपूर खुद यहाँ आकर अपनी कंप्लेन वापस नहीं लेती, मैं इन्हें नहीं छोड़ती। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, सिर्फ सर सब प्लीज, इनकी कोई गलती नहीं है सर।
जा तो रहे हो तुम, जाओ मेरे हमदम, याद रखना मगर। Forgive me, I'm really sorry. Please, Mac, please forgive me. कितने अच्छे तरीके से बताया ना, वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचा कर। You know what? Don't you dare ever call me again, because I don't want to see your face again. Mac! I'm sorry कहूंगी तो गलती बहुत छोटी हो जाएगी। मैंने सबको झूठ बोला है, मैंने तुम्हें, मेरी फैमिली को, I've put you all through a lot. प्यार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत मुझ में नहीं थी। तभी तो जब सच सामने आया तो मैं इतना डर गई थी कि हर बात के लिए मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया। तभी तो आज मैं यहां ऐसे खड़ी हूं। मैक मेरे लिए, मेरा एम्बिशन बहुत इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थी, किसी भी हद तक। मनु बिल्कुल अलग है मुझसे, ऐसे मैं बड़ी बहन हूं उसकी, पर सच्चा प्यार करना इसने मुझे सिखाया। इसने मेरे लिए एक ऐसा सिम उठाया है जो मैं शायद डिजर्व भी नहीं करती हूँ। I'm sorry, Mac, मनु ने ये सब मेरे लिए किया है। तुम मुझे माफ कर देना। मनु, मैं मम्मी को समझा दूंगी। डोंट वरी। तू है मेरी जान, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी जीने की वजह। तू है मेरी जान, तू मेरा खुदा, तू ही मेरी जीने की वजह। जीती हूँ तेरी सांसें ना चले तेरे बिना।